दो जिस्मों में दौड़ रही एक जान, एक को लगती है चोट तो दूसरे को होता है दर्द। यह कहानी है ऋषिकेश में रहने वाले जुड़वा भाइयों की। सिल्वर स्क्रीन पर आपने हमशक्ल बच्चों पर आधारित राम और श्याम, सीता और गीता, गोपी किशन, किशन कन्हैया और दबंग खान की जुड़वा सहित कई अन्य फिल्में देखी होंगी, लेकिन रियल लाइफ से हटकर धर्मनगरी में रहने वाले जुड़वा भाइयों आदेश कुमार और सुदेश कुमार की रियल लाइफ की कहानी बेहद रोचक है। 55 वर्ष पूर्व विष्णु प्रसाद गुप्ता के घर में जब तीसरी और चौथी संतान के रूप में जुड़वा बच्चों की किलकारियां गूंजी तो पूरे घर में ही नहीं बल्कि सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। समय का पहिया तेजी से घूमा। बचपन में नटखट और शैतान रहे जुड़वा बच्चे आज शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी बन चुके हैं। तीर्थनगरी में रजाई गद्दों के अपने पुश्तैनी काम संभालने के बाद दोनों भाइयों ने अपने मधुर व्यवहार से जहां सबको कायल बनाते हुए अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयां प्रदान की, वहीं आपसी प्रेम की मिसाल कायम करते हुए पारिवारिक विघटन के दौर में गुजर रहे समाज को भी आईना दिखाने का काम किया है। आचार, विचार, संस्कार और मिजाज तो दोनों के एक से हैं ही, साथ ही बचपन से लेकर आज तक दोनों कपड़े भी एक जैसे ही पहनते हैं। इस वजह से अनेकों मर्तबा दुकान में आए ग्राहक भी चक्कर में पड़ जाते हैं। विडंबना देखिए, जहां आज के मौजूदा दौर में भाई ही भाई के खून का प्यासा हो रखा है, वहीं तीर्थनगरी में जुड़वा भाइयों की यह सुपरहिट जोड़ी समाज के लिए अपने अटूट प्रेम के चलते एक मिसाल साबित हो रही है। ऋषिकेश से अमित सूरी की रिपोर्ट।